मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 206 से लेकर 208 तक करते हैं। तर्जमा, और जब इससे कहा जाए कि अल्लाह ताला से डरो तो तकब्बर और तासुब इसे गुनाह पर आमादा कर देता है, ऐसे के लिए बस जहन्नम ही है और यकीनन वो बदतरीन जगह है। और बाज़ लोग वो भी हैं कि अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज रिव्यू फाइव के क्वेश्चन नंबर वन के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। वन, अ क्वान्टिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि कोई भी ऐसी क्वान्टिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो आपके पास क्या कहलाता है? वैक्टर, स्केलर, विलासिटी या डेरिवेटिव। तो वेक्टर वो होता है जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी डायरेक्शन भी हो। और अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। राइट ऑप्शन स्केलर है। थर्ड पार्ट में उसने हमें एक वेक्टर एफ दिया हुआ है और एक जी दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है एफ क्रॉस जी। इसका प्रॉपर फॉर्मेट आपके पास ये होता है कि सबसे पहले आई जे और के, फिर एफ के आई जे के जो मैग्नीट्यूड यानी उनके साथ टर्म्स लिखी हैं, जैसे ये आ जाएगा आई के साथ टी का स्केयर, जे के साथ टी और के साथ आ जाएगा माइनस साइन टी। और इस तरीके का अर्थ अगर आप जी के साथ देखें तो जी आपके पास आ जाएगा टी, ये टी की पावर माइनस वन है, मैं इसको वन बाई टी लिख सकता हूँ और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फाइव। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ, है एमसीक्यूज लेकिन हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट सॉल्व कर लेते हैं कि अगर मैं आई के साथ सॉल्व करूँगा तो ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये आ जाएगा टी माइनस साइन टी वन बाय टी और ये आ जाएगा फाइव, बीच में आ जाएगा माइनस जे, रो और कॉलम डिलीट कर दें, ये रो और कॉलम जब डिलीट हो जाएगा ये आ जाएगा टी का स्केयर टी माइनस साइन टी और ये आ जाएगा फाइव, प्लस ये के आ गया, के में भी ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये आ जाएगा टी का स्केयर टी टी और ये आ जाएगा वन बाय टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस लगा दें तो ये आपके पास आ जाएगा आई वेक्टर। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास आ जाएगा फाइव टी, माइनस एक बीच में होता है और ये आ जाएगा माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय टी। इसको सॉल्व कर लें आई वेक्टर को तो ये आ जाएगा फाइव टी माइनस माइनस प्लस साइन टी डिवाइडेड बाय टी। अभी हमने इसको आई वेक्टर तक सॉल्व किया है, अब आगे अगर आप जे देखें तो ये आ जाएगा माइनस जे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा फाइव टी का स्केयर माइनस ये आपके पास आ जाएगा माइनस टी और साथ आ जाएगा साइन टी, ये आ गया जे वेक्टर, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस फाइव टी का स्केयर प्लस टी साइन टी, ये आपके पास आ गया जे वेक्टर और साथ इसके सॉल्व करेंगे के वेक्टर। तो के वेक्टर को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक टी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टी माइनस टी का स्केयर, ये आपके पास आ गया के वेक्टर। तो अब अगर हम इसको अपने आंसर के साथ मैच करें तो ये आपके पास सी ऑप्शन राइट है, यानी फाइव टी प्लस साइन टी डिवाइडेड बाई टी आई वैक्टर, फाइव टी का स्केयर प्लस टी साइन टी जे वैक्टर, टी माइनस टी का स्केयर, यानी जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। तो चलते हैं इसके ऑप्शन नंबर फोर की जाने। फोर, हमें एफ वेक्टर भी गिवन है और जी वेक्टर भी गिवन है। अगर हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम आई वेक्टर को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के साथ करते हैं और के को के साथ। तो अगर मैं आई वेक्टर को आई के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा टी स्केयर डॉट टी, फिर ये आ जाएगा आई डॉट आई,
फिर आपके पास ये आ जाएगा, जे में देखें तो ये आ जाएगा टी इंटू वन बाय टी जे डॉट जे माइनस ये आ जाएगा साइन टी इंटू फाइव ये आ जाएगा के डॉट के। आई डॉट आई भी वन है, डे जे डॉट जे भी वन है और के डॉट के भी वन है। तो इसका मतलब ये आपके पास आंसर जो बन जाएगा वो आ जाएगा टी का क्यूब, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन माइनस फाइव साइन ऑफ टी। तो इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, फाइव। तो इसमें ये यहाँ पे एक्स नहीं होगा बल्कि ये टी होगा, यानी टी अप्रोक्सीमेटली फाइव। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में टी आता है वहाँ पे फाइव पुट कर दें, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू टी की जगह आ जाएगा फाइव प्लस थ्री, ये आ जाएगा आई कंपोनेंट प्लस टू फाइव का स्केयर, ये आ जाएगा जे कंपोनेंट माइनस वन माइनस टी यानी कि फाइव, ये आ जाएगा के कंपोनेंट। तो ये आपके पास आ जाएगा फाइव प्लस थ्री एट आई, फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फिफ्टी जे माइनस ये आ जाएगा माइनस फोर के, माइनस माइनस प्लस कर देंगे ये आ जाएगा एट आई प्लस फिफ्टी जे प्लस फोर के। तो इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सेवन में भी सेम ये है कि हमने फाइंड करना है एफ ऑफ टू, तो यहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ पे टू पुट कर देते हैं एट। तो आपके पास जो वेक्टर है एफ वेक्टर आपके पास आ गया है टी क्यूब आई माइनस थ्री प्लस टी का स्केयर के वेक्टर। सबसे पहले अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो टी क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा थ्री टी का स्केयर आई वेक्टर। जब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, और ये आपके पास आ जाएगा टू टी के वेक्टर आ जाएगा। अब उसमें अब टी की जगह एफ ऑफ माइनस टू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री माइनस टू का स्केयर आई वेक्टर, तो ये आ जाएगा टू इंटू माइनस टू के वेक्टर। टू का स्केयर फोर, फोर थ्री आर, यह आ जाएगा ट्वेल्व आई वेक्टर, टू टू आर माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा फोर इंटू के वेक्टर। तो राइट ऑप्शन आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके का से आपके पास नेक्स्ट आर वेक्टर दिया हुआ है और इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आई जे के जो कांस्टेंट हैं कंपोनेंट हैं उसका स्केयर ले लें, टू का स्केयर प्लस थ्री का स्केयर प्लस फोर का स्केयर, टू का स्केयर फोर, थ्री का स्केयर नाइन, फोर का स्केयर सिक्सटीन। तो इसको आप प्लस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी नाइन। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, एट के आर वेक्टर हमें गिवन है फाइव टी स्केयर आई प्लस थ्री टी जे प्लस के। तो वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम, तो इसका मतलब हमें सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ओवर डी टी आर वेक्टर। तो ये वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो फाइव बाहर आ गया डी ओवर डी टी टी का स्केयर आई वेक्टर प्लस थ्री डी ओवर डी टी इंटू टी जे वेक्टर प्लस डी ओवर डी टी इंटू वन के वेक्टर। तो t का स्केयर आ जाएगा 5 इंटू टू टी, ये i वेक्टर आ गया प्लस 3 इसकी जगह आ जाएगा 1 इंटू j, कांस्टेंट 0 आ गया। तो 5 टू आर 10 टी i वेक्टर प्लस 3 j वेक्टर। तो इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर a इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, सेकंड लास्ट की तरफ, 9 के इफ़ वेलोसिटी वेक्टर यानी v हमें दिया हुआ है, हमने एक्सेलरेशन निकालना है, तो जो वेलोसिटी का डेरिवेटिव बनता है वो एक्सेलरेशन बन जाता है। तो यह आ जाएगा d ओवर dt टी विद रिस्पेक्ट टू v, यह आ जाएगा d ओवर dt टी इंटू साइन टी, यह आ जाएगा i माइनस टू
डी अवर डी टी इंटू कॉस टी यानी कि जे वैक्टर प्लस फोर डी अवर डी टी इंटू के वैक्टर। तो ये एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा। तो साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है कॉस ऑफ टी आई वैक्टर माइनस ये टू एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन टी जे वैक्टर और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस टी आई वेक्टर माइनस माइनस प्लस टू साइन टी जे वेक्टर प्लस ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास राइट ऑप्शन है वहाँ पे आपके पास आ रहा है कॉस टी आई प्लस टू साइन, तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा कि यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें प्लस आना चाहिए तब जाके ये इसके साथ मैच करेगा, शायद ये बुक में कोई मिस्टेक है। चलते हैं इसके लास्ट एमसीक्यूज की जानिब। 10 के लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉट सी डॉट एफ अप्रोचेस टू टी, तो सिंपल टी की जगह हमने टी नॉट पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा सी डॉट एफ इंटू टी नॉट। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 5 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी चैप्टर की किसी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि फारसी कहावत है कि जिसने हमें जंगल में अकेला छोड़ दिया उससे ये पूछने का कोई हक नहीं कि भेड़ियों ने हमारे साथ क्या किया। प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।